यूपी के बुलंदशहर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा खुर्जा के मैनेजर और लीड मैनेजर के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के शाखा प्रबंधक पर क्रेडिट लिमिट के नवीनीकरण की आड़ में 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। साथ ही लीड बैंक मैनेजर सतपाल मेहता पर शाखा प्रबंधक विजय यादव से साठगांठ का आरोप पशु आहार फर्म के मालिक ने लगाया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक और लीड बैंक ऑफिसर सतपाल मेहता के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई है, क्या पूरा मामला है? मामला साहब ये है कि हमारे इसमें 10 लाख रुपए की लिमिट थी बैंक में, जो कि 10 साल से चल रही थी और सन 2009 में वो बनी थी और हर साल इसका नवीनीकरण होता है, तो हर साल वो रिन्यूअल हो रही थी। लेकिन बैंक मैनेजर विजय यादव ने हमसे 6 तारीख को 20,000 रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा था 20,000 रुपए आप भेज देना, मैं आपका नवीनीकरण कर दूंगा। फिर हमने उनसे कहा साहब हमने अब तक किसी को पैसे नहीं दिए, हम पैसे नहीं देंगे। बोले नहीं ये तो आम बात है और चलती है, आप हमें 20,000 रुपए दे देना। तो उसके संदर्भ में वहां से हम कह के चले आए, तो मैनेजर ने हमारा 6 तारीख को रिन्यूअल कर दिया उसी आश्वासन में, और 6 में काम किया, 7 में भी काम किया, 8 में हम बैंक नहीं गए। जब 9 में हमारे कर्मचारी राजू बैंक गए थे तो उन्होंने उनसे कहा कुछ भेजा है, तो उन्होंने कहा नहीं आरटीएस भेजा है, तो बोले तो ठीक है आप जाइए उनको भेजिए और अभी तक उनसे बात करनी है। फिर हम वहां बैंक पहुंचे थे तो उन्होंने कहा आपने 20,000 रुपए नहीं भेजा, मैंने आपका काम कर दिया है। तो हमने कहा हमने आपसे मना कर दिया, हम आप रिश्वत में विश्वास नहीं करते और हम सामाजिक लोग हैं और रिश्वत हमने ना तक दिया किसी को ना ही हम देंगे। बोले तो ठीक है आपका खाता बंद है, और मैंने आपका खाता बंद कर दिया और आप जाइए यहां से आपका काम नहीं होगा। तो उसके संदर्भ में फिर हमने एक अगले दिन उन्होंने जब हमने रिश्वत की मना किया तो उन्होंने गार्ड के प्रयोग से हम पे बल का प्रयोग किया और 2-3 लोगों ने एक साथ हम पे मैनेजर ने और गार्ड ने हमला कर दिया, तो जिसकी तत्काल सूचना हमने नगर कोतवाली थाना अध्यक्ष को करी थी। तो उसकी जो हमसे वहां जो प्रशासन था उन्होंने कहा भाई आपसी मामला है, आप उसको सुलझा लीजिए और देख लीजिएगा। फिर उसकी हमने शिकायत मुख्यमंत्री को भी की थी, जिसके जांच आदेश लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सतपाल मेहता जी को जांच आई थी। उन्होंने भी आपसी साठगांठ करके इसमें उनके फेवर में फर्जी रिपोर्ट लगा दी थी, जिसके सत्यापित हमारे पास दस्तावेज हैं और हमारे पास सबूत हैं। नवीनीकरण 6-7 को हो गया था और LDM साहब ने रिपोर्ट में दर्शाया 1-8 को कि नवीनीकरण नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय को की थी और जिसमें पुष्टि हो गई थी कि सतपाल मेहता जी ने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने उनके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लगाई है हमारी रिपोर्ट पर, जिसमें वो आख्या उनको 7 दिन में प्रेषित करने के लिए कहा गया था, जिसमें पुष्टि हुई है। अब क्या कार्रवाई हुई है? उसकी कार्रवाई ये हुई है कि उसके बाद प्रशासन को हमने 17 तारीख को एक FIR की कॉपी दी थी जिस पर पुष्टि नहीं हुई थी। फिर हमने SSP महोदय को भी और जिलाधिकारी को महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था कि आप इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। अभी इसके खिलाफ 323, 504 और 420 में एक मुकदमा दर्ज हुआ है अभी, लेकिन इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन का हालांकि इसने बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ और हमें उम्मीद है प्रशासन इस मामले को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार इनको करेगा। ओके।